मतलब ट्रेनिंग में जाते टाइम आपको कौन कौन सा सामान अपने साथ रखना है और कौन कौन सी चीज़ें ले जाना अति आवश्यक है, कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे खरीदनी पड़ेगी और कौन कौन सी चीज़ें जब तक आपके पास नहीं होंगी तब तक आपको आमद नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो अपन इसी बारे में बना रहे हैं। गद्दे मिलेंगे लेकिन आपको चादर नहीं मिलेगी, ओढ़ने का सामान नहीं मिलेगा। चादर भी मिलती है, मतलब वो आपको परचेस करना पड़ता है, लेकिन जब आप शुरू में जा रहे हैं तो आप अपने लिए चादर लेके जाएं और ओढ़ने का भी सामान लेके जाएं, खाने पीने की हल्की हल्की चीज़ें खाने पीने की रख लें। और देख लेते हैं वो लिस्ट जो कि आपको सामान ले जाना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों जैसे कि पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि मैडम जो पीटीएस जाते टाइम किट ले जानी पड़ती है, मतलब पीटीएस जो किट होती है उसके बारे में एक वीडियो बनाए। तो दोस्तों ये वीडियो पीटीएस किट के बारे में है कि पीटीएस जाते टाइम मतलब ट्रेनिंग में जाते टाइम आपको कौन कौन सा सामान अपने साथ रखना है और कौन कौन सी चीज़ें ले जाना अति आवश्यक है, कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे ख़रीदनी पड़ेगी और कौन कौन सी चीज़ें जब तक आपके पास नहीं होंगी तब तक आपको आमद नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो अपन इसी बारे में बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूँ सोना मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोना मिश्रा पुलिस में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी प्रकार की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप सभी प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपनी जो ये जानकारी है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो पीटीएस जाते टाइम मतलब जैसे हमने पुलिस विभाग में हमने एंट्री ली, हमने ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग के बाद नंबर आता है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग में जाते टाइम हमें ज़रूरी होता है कि अब हम वहाँ पे साल भर की जनरली साल भर की ट्रेनिंग होती है, मतलब 9 महीने की समथिंग समथिंग मान लीजिए, साल भर ही मानते हैं अपन। तो साल भर की ट्रेनिंग में वहाँ पे हमें ऐसा सुनने में भी आता है कि हमें बेटी से छुट्टी नहीं मिलती है। तो ये सवाल दिमाग में चलता रहता है कि हम कौन सा सामान लेके जाएँ और कौन सा सामान लेके नहीं जाएँ, क्या क्या वहाँ पर मस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और जब हम अगर अपनी बात करें तो हम जब पीटीएस गए थे उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि ले जाना कंपलसरी था। अगर आप वो चीज़ें नहीं लेके जा रहे हो तो आपको वहाँ पे पीटीएस पे आमद नहीं मिलेगी जब तक कि आपके पास वो सारा सामान नहीं है। तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से वो सामान है जो आपको ले जाना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके आपको आमद मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में जाते टाइम हमारे पास कौन कौन सा सामान होना चाहिए। तो दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर में जाते टाइम हमारे पास जो डेली यूज की चीज़ें हैं, जैसे हमने पुलिस विभाग में ज्वाइनिंग जैसे हमारी हो जाती है उसके बाद हमें ब्लू कलर का लोअर, वाइट कलर का टी शर्ट, वाइट कलर के पीटी सूज, ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसके लिए। उसके बाद बैरेट सॉरी कैप होती है जो कि मतलब पीटी परेड के टाइम जो कैप लगती है मध्य प्रदेश पुलिस वाली, वो इतनी चीज़ें तो हमारी मतलब आउटडोर के लिए कंपलसरी हो गई। उसके बाद जैसे आप पीटीएस जा रहे हैं तो जैसे अभी जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो मतलब जैसे हम लोग की जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी वो गर्मी से स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे हमें अंगोला ले जाने के लिए कंपलसरी नहीं था। ट्रेनिंग टाइम पे हमने अंगोला यूज़ भी नहीं किया था, उसके बाद ही हमने अंगोला स्टार्ट किया है अपने ज़िले में वापस आने के बाद। तो जो किट है, किट के बारे में अगर बात करें तो हम जो किट लेके गए थे उसमें दो सेट वर्दी थी, दो सेट मतलब बाकी ज़िलों को तो हमने देखा कि बाकी ज़िले वाले सारी चीज़ें लेके नहीं आए थे क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में हमारे कंपलसरी था ये सारा सामान लेना, वहाँ से हमें ख़रीदना पड़ा था। लेकिन जैसे उज्जैन पीटीएस में हमारी ट्रेनिंग हुई तो वहाँ पर तो हमें ख़रीदना पड़ा। इंदौर में कंपलसरी नहीं है, वहाँ पर आप सारा सामान अगर आपके पास पहले से है तो आपको दोबारा नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन उज्जैन पीटीएस में ये रूल है कि जो लिस्ट है जो आती है ट्रेनिंग के लिए आपके पास इतना सामान होना चाहिए, जो कि आपको मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगी, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास सारा सामान नहीं है तो आपको आमद नहीं मिलेगी। तो अगर आपको उज्जैन पीटीएस मिल रहा है तो पहले आप इस लिस्ट को देख लें और उसके हिसाब से सारा सामान ले लें, उसके बाद ही ट्रेनिंग में जाएँ, नहीं तो आपको जब तक वो सामान नहीं होगा आपको बाहर बैठना पड़ेगा, आमद नहीं मिलेगी। तो जो लिस्ट है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन शॉर्टकट में मैं थोड़ा गिना भी देती हूँ आपको कि दो सेट जो वर्दी होती है, वर्दी दो सेट होनी चाहिए आपके पास, लोअर टी शर्ट और दो सेट लोअर टी शर्ट भी होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है ट्रेनिंग में, तो अल्टरनेट आपको पहनने के लिए पीटी सू आपके पास होने चाहिए, डीएमएस आपके पास होना चाहिए, कट सू आपके पास होने चाहिए, बैरेट कैप आपके पास होनी चाहिए और आपकी जैसे पीटी परेड होती है
तो पीटी परेड में तो आपका कट छू अरे सॉरी पीटी छू लगता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको वहाँ पे बेड मिलेगा, बेड के साथ आपको जो है तो गद्दे मिलेंगे, लेकिन आपको चादर नहीं मिलेगी, ओढ़ने का सामान नहीं मिलेगा। चादर भी मिलती है, मतलब वो आपको परचेस करना पड़ता है, लेकिन जब आप शुरू में जा रहे हैं तो आप अपने लिए चादर लेके जाएं और ओढ़ने का भी सामान लेके जाएं, खाने पीने की हल्की हल्की चीज़ें खाने पीने की रख लें। जैसे आप ड्रिल करने जाएंगे डेली, तो ड्रिल के लिए आपको जो आपको राइफ़ल मिलेगी, राइफ़ल लेके ड्रिल करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको सीलिंग कड़ी आपके पास होनी चाहिए। और वह सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको गिनती से लिस्ट ही दिखा देती हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। और रही बात तो ये चीज़ें ले जाने की, और अब आपको पीटीएस में क्या नहीं ले जाना है उसके बारे में अगर बात करें, तो आपको जो जंगल कैंप का सामान है उसको लेके नहीं जाना है, क्योंकि वो आपको पीटीएस से ही ख़रीदना पड़ता है। ब्लेज़र हो गया, जो मतलब रोल कॉल ड्रेस होती है, वो आपको नहीं ले जाना है, क्योंकि वो आपको पीटीएस से ही लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लेनी है और नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और उसके बारे में मैं कोशिश करूँगी कि आपको जानकारी प्रदान करूँ। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं वो लिस्ट जो कि आपको सामान ले जाना है। तो दोस्तों ये जो लिस्ट है वो वर्ष 2017 की नई भर्ती की आमद होने वाले नौ आरक्षक के लिए ये लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें ये निर्देश दिया गया था कि नौ आरक्षक निम्नलिखित सामान अपने साथ लेकर आएँ। तो ये वो लिस्ट है जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान अपने साथ में लेकर के इतना सामान लेकर के आपको जाना है, जिसमें आपको है खाकी टेरिकॉट वर्दी ले जाना है, अंगोला का शर्ट ले जाना है जो कि जिसे कि गर्म शर्ट कहते हैं, आपको अपने साथ मच्छरदानी ले जानी है, एमिनेशन बूट ले जाने हैं, लेदर बेल्ट में कवच के ले जाना है, मतलब बेल्ट ले जाना है, बरसाती ले जानी है, तो ये बेल्ट वगैरह तो सब कुछ उसमें आ जाएगा वर्दी के साथ ही आपका, बरसाती रेनकोट ले जानी है, खाकी सूती मोजा ले जाना है, खाकी ऊनी मोजा ले जाना है, और इसके साथ ही आपको बैरेट कैप मैं मोनो के ले जानी है, मध्य प्रदेश जोड़ ले जाना है, सीटी डोरी ले जानी है, किट बॉक्स ले जाना है, पीटी सूट सफ़ेद दो जोड़ी, एक जोड़ी भी रख सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, सफ़ेद मोजा दो जोड़ी। ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए सब दो दो जोड़ी का लिखा है। नीला लोवर दो नग, सफ़ेद टी शर्ट दो नग, यूनिफॉर्म सूच मतलब काले जूते, बाल्टी मग्गा टिफिन पलंग बिस्तर चद्दर झाड़ू और स्वयं को लगने वाला निजी सामान, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है ट्रेनिंग में। और इसके अलावा आपको टोपी, जैसे कहीं कहीं पे नीली टोपी लगती है या सफ़ेद टोपी लगती है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ले जानी हैं। तो दोस्तों लिस्ट में लगभग लगभग वही सामान है जो पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था, तो ये सारी चीज़ें आप रख लीजिएगा। और कहीं कहीं पीटीएस में, जैसे हमारे पीटीएस में ऐसा था कि वहाँ पे हमें दोबारा से लेना पड़ा था, तो एक बार पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा पीटीएस मिल रहा है, उसके हिसाब से सामान लीजिएगा। तो आशा है दोस्तों कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको ट्रेनिंग में ले जाने वाले सभी सामान की जानकारी मिल गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।